तो बाइबल में लिखा है कि उन्होंने यशवा की क़यादत में खुदा के बंदा के कहने के मुताबिक दे मार्च अराउंड द वॉल, उन्होंने उस दीवार के गिर्द मार्च करना शुरू किया, ईमान का स्टेप उठाया। तो सातवां चक्कर जो था वो बड़ा ही उनके लिए चैलेंजिंग भी था, क्योंकि डर भी रहे थे, अंदर डर भी था, लेकिन वही लास्ट चक्कर था। आपको पता है बहुत से लोग इस चक्कर में पीछे रह जाते हैं, और पीछे ठीक आए होंगे ने, वो छह रोज भी चक्कर सही काटे, हो सकता है सातवें रोज भी चक्कर ठीक काटे, लेकिन लास्ट वाला रह गया। और फिर हम कहते हैं कि नहीं नहीं आई डिड वेल, नहीं तो फिर मौजजा नहीं होना। ये मौजजा मेरा मानना है, उनकी कमिटमेंट, उनकी वफादारी, फेथफुलनेस तो थी, लेकिन अगर वो लास्ट चक्कर जो सातवें दिन आखिरी चक्कर था, अगर वो ना कटता तो मौजजा नहीं होना था। क्योंकि आसमान पर एक खुदा है जो आपको देख रहा है, और वो आपकी कमिटमेंट को देखना चाहता है कि आप कितने कमिटेड हैं, कितने वफादार हैं उसके साथ। सातवें चक्कर पर वो बड़ी दीवार गिर गई। क्या हुआ? बड़ी दीवार गिर गई, बड़ी दीवार गिर गई। हालेलुया।